चलिए अगला पॉइंट हमारे पास आ रहा है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेमिंग। हमने बहुत इजीली कहा है, हम बहुत आसानी से पढ़ते हैं आयनिक कंपाउंड की नेमिंग। कैसे पढ़ते थे? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बोलते थे, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ नेमिंग कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी आयनिक कंपाउंड की नेमिंग, ठीक है ना। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स की नेमिंग हम पढ़ रहे हैं और वो भी बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा टफ वो भी नहीं है। तो कैसे हम करेंगे? तो हेडिंग डलेगा हमारा नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स। देखो ये बात तो है, ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स को ही हम एसिड्स बोलते हैं, ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं। तो ऑक्सी एसिड्स की डेफिनेशन क्या है? पहले तो डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सी एसिड्स, एसिड इन विच OH ग्रुप अटैच्ड या अटैच्ड टू नॉन मैटर, सही है, नॉन मेटल। नॉन मेटल में कौन ले सकते हो? NOH, बाकी क्या है उससे मतलब नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो, कार्बन भी ले सकते हो, ये हमारे लिए ऑक्सी एसिड्स होंगे, ठीक है। सल्फर ले सकते हो, ये सब हमारे लिए ऑक्सी एसिड्स हैं, सही है। तो ये हमारे पास बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स हैं। एक्चुअल में एग्जांपल तो आपके पास ऐसे बनेंगे, जैसे H2CO3, H2SO4, H3PO4, HNO3, ये सब में OH ग्रुप है और वो OH ग्रुप एक नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है, तो ये ऑक्सी एसिड्स है। तो अगला पॉइंट हम इनकी नेमिंग करने जा रहे हैं, ऑक्सी एसिड्स। तो हम ऑक्सी एसिड्स को कैसे डिफाइन करते हैं? ऑक्सी एसिड्स, नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स या ऑक्सी एसिड नेमिंग डिसाइड बाय फॉलोइंग पॉइंट्स। फॉलोइंग पॉइंट्स, फर्स्ट, अब पॉइंट्स चालू हो गए हमारी थ्योरी के। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लगेगा आपको, देखिएगा ध्यान से। हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा HNO3 बहुत स्ट्रांग एसिड है या नहीं है, सही है। तो HNO3 हर एक एलिमेंट को एक एसिड तक ऑक्सीडाइज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल HNO3 एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्लस एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले लिया आपने और ये ऑक्सी एसिड्स बनाएगा, ऑक्सी एसिड, उसको बोलेंगे एक एसिड ऑफ, एक एसिड ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने HNO3 लिया और आपने यहाँ पर सल्फर ले लिया, फास्फोरस ले लिया, कार्बन ले लिया, और क्या लोगे, हेलोजन ले लिया, कोई भी एक्स HNO3, तो ए बी सी डी रिएक्शंस HNO3, तो सल्फर तो बना रहा है H2SO4, ये बना रहा है H3PO4, ये बना रहा है H2CO3 और ये बना रहा है HXO3, ठीक है। तो इस वजह से जो भी एसिड बन रहा है वो उस एलिमेंट का एक एसिड बनेगा। एक एसिड का मतलब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बताइए जल्दी से, सल्फ्यूरिक एसिड,
फास्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कोई भी हेलोजन है, भले वो कोई सा भी लो, मैं क्लोरीन ही ले लेता हूं समझाने के लिए। क्लोरिक एसिड SClO3, क्लोरिक एसिड। समझ में आ रही है आपको? तो एक एसिड का नाम हमारे लिए सबसे पहला आ गया, फिर सेकंड, बाय रिमूविंग ऑफ वन ऑक्सीजन फ्रॉम एक एसिड, द नेम ऑफ न्यू जनरेटेड एसिड, न्यू फॉर्म एसिड इज कॉल्ड अस अस एसिड। अस एसिड, ध्यान से सुनिएगा, क्या कहना चाह रहा है इसमें? इसमें ये कहना चाह रहे हैं, एक एसिड में से अगर एक ऑक्सीजन हटा दी जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं? अस। तो ये तो हमारे पास पहले से ही नाइट्रिक एसिड है, तो अस एसिड के एग्जाम्पल देखते हैं। ए, हम बात करते हैं HNO3 में से एक ऑक्सीजन हटाया तो क्या बना है? HNO2। सेकंड, यानी हमें माइनस ऑक्सीजन करनी है, H2SO4 माइनस ऑक्सीजन H2SO3। थर्ड, और कौन है हमारे पास? H3PO4 माइनस ऑक्सीजन कर दिया, H3PO3। फोर्थ, HClO3 माइनस ऑक्सीजन किया, HClO2। तो ये हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं, तो इनके नाम क्या होंगे? अगर बन सकता है, ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रक्चर ही पॉसिबल नहीं हो, तो फिर वो कंपाउंड का नाम क्या करें जो बन ही नहीं सकती? तो जो बन सकती है उन्हीं के नाम की बात करेंगे हम। इसको बोलेंगे हम नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, क्लोरस एसिड। कुछ समझ में आया? तो कोई नाइट्रस एसिड है, सल्फ्यूरस है, फॉस्फोरस है और क्लोरस एसिड है, ये सारे एसिड्स हमारे पास आ रहे हैं। नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स, क्लियर है कंसेप्ट? तो हमारे लिए पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो गए, दो बहुत प्यारे लिखे हैं इसको साथ के साथ। अब थर्ड नंबर का पॉइंट हम बात कर रहे हैं, अगर अस एसिड में से भी एक ऑक्सीजन निकाल लेंगे तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइपर का मतलब ज्यादा और हाइपो का मतलब कम, तो ये और हमारे पास हो गया। इफ
वन ऑक्सीजन रिमूव फ्रॉम अस एसिड, अस एसिड यहां हमारे पास OUS है, अस एसिड देन न्यू फॉर्म एसिड इज कॉल्ड हाइपो और फिर उसके बाद अस एसिड। तो उसका जो भी नाम है, सल्फ्यूरस एसिड तो है ही, लेकिन जो भी एसिड नेम है उसके साथ पहले हाइपो और अस एसिड, ये दोनों वर्ड ऐसे लगेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर वन एच एन ओ टू में से एक और ऑक्सीजन माइनस कर दिया आपने, तब क्या बन जाएगा एच एन ओ, तो ये हो जाएगा हाइपो नाइट्रस एसिड। दूसरा एच टू एस ओ थ्री, अगर एच टू एस ओ टू बोलने का मौका मिले तो हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। जनरली ये अनस्टेबल है तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर होता तो ये नाम होते। थर्ड क्लियर करें इसको, थर्ड मैंने ले लिया एच सी एल ओ टू, अस एसिड होना चाहिए ये, ध्यान रखना, माइनस ऑक्सीजन तब आपके पास क्या बन जाएगा एच सी एल ओ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हाइपो हाइपोक्लोरस एसिड। यानी हाइपो हमेशा अस के साथ ही आएगा, हाइपो हमेशा किसके साथ आएगा अस के साथ ही आएगा। फोर्थ पॉइंट शुरू करें, अभी तक हम सिर्फ ऑक्सीजन रिमूव कर रहे थे, अब हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं, किसमें एक में, इफ वन ऑक्सीजन ऐड इन एक एसिड एक एसिड देन न्यू फॉर्म एसिड इज कॉल्ड इफ वन ऑक्सी एसिड इज वन ऑक्सीजन एटम एड, एटम भी लगा दीजिए, एटम एड इन एक एसिड द न्यू फॉर्म एसिड इज कॉल्ड हाइपर, या पर भी यूज कर लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पर एसिड। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हमारे पास H2SO3 है प्लस ऑक्सीजन, अभी तक हम माइनस कर रहे थे लेकिन अब हम ऑक्सीजन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा H2SO4, पहले तो ये एक होना चाहिए, ये अस नहीं होना चाहिए, एक के अंदर ही ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा पर सल्फ्यूरिक एसिड। सेकंड HNO3 में अगर आपने ऐड करा HNO4 पर नाइट्रिक एसिड, तो आपने इसमें क्या सीखा है हाइपो वर्ड के साथ हमेशा अस आता है, हाइपो के साथ अस आएगा और पर के साथ एक आएगा,
क्योंकि एक के अंदर ऑक्सीजन ऐड करना है। थर्ड HClO3 प्लस ऑक्सीजन क्या रहेगा आपके पास यहां पर HClO4 पर क्लोरिक एसिड। सिंपल सिंपल एग्जांपल है HPO4 HCPO4 प्लस ऑक्सीजन HCPO5 पर फॉस्फोरिक एसिड। ये हमारे पास फोर्थ नंबर का रूल बना। फिफ्थ नंबर, अभी तक हम ऑक्सीजन ऐड या सबट्रैक्ट कर रहे थे। एक ऑक्सीजन ऐड करने के बाद अब ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रही है, हाईली अनस्टेबल है। तो इसके बाद जो चीज हमारे साथ हो रही है वो है, अब हम ऑक्सीजन को हटा के H2O पे आते हैं सीधा। तो H2O लिबरेट करना है, तो कैसे हम करेंगे? इफ वन H2O मॉलिक्यूल लिबरेट फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ अस और एक एसिड, देन न्यू फॉर्म एसिड इज कॉल्ड मेटा गैप। एसिड का नाम मेटा अस या फिर एक एसिड। फॉर एग्जाम्पल आपके पास H2O निकालने के बाद भी एक H होना चाहिए, तो यानी ये वही होंगे जिसके अंदर तीन H हो। आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं, H3PO4 माइनस H2O क्या हो जाएगा? HPO3 दो हाइड्रोजन। तो यहां पर ये कौन सा एसिड है? फॉस्फोरिक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा? मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अगर यहां पर दो हाइड्रोजन होती तो दिक्कत क्या होती? यहां हाइड्रोजन ही नहीं होती, और बिना हाइड्रोजन के OH लिंकेज नहीं होता, एसिड ही नहीं होता। तो ये हमारे लिए हो गया HCPO3 कौन सा एसिड है? फॉस्फोरस एसिड। तो माइनस H2O करने के बाद आपके पास बनता है HPO2, तो इसका नाम होता मेटा फॉस्फोरस एसिड, क्योंकि अस से बनाए तो अस ही रहेगा, एक से बनाए तो एक ही रहता है, एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। तीसरा एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, H3BO3 जिसका नाम है बोरिक एसिड, माइनस H2O कर दिया HBO2, तो इसको बोलेंगे मेटा बोरिक एसिड। बोरिक बोरोन की से बोरिक एसिड फॉर्म ही एग्जिस्ट करती है, अस फॉर्म नहीं करती। तो ये हमारे पास पॉइंट्स हो गए। जो आपके लिए नेमिंग का काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से। अब आगे कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिसमें दो ही हाइड्रोजन हो, जैसे H2SO4
अगर आपने माइनस एच टू ओ करा तो क्या बनेगा, एसओ थ्री। तो अब इसे एसिड नहीं बोलेंगे, कौन सा एसिड नहीं बोलेंगे, मेटा नहीं बोलेंगे, मेटा सल्फ्यूरस एसिड, क्योंकि एसिड ही नहीं है। तो इसको बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बस इस तरह से बोल सकते हो। लेकिन एसिड नहीं बोलेंगे, एसिड एनहाइड्राइड तो हर जगह बोला जा सकता है जहां वाटर निकल के बनने वाला कंपाउंड होता है। तो ये हमारे लिए हो गया एसिड एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि कुछ ही ऐसे हैं एसिड जिनकी मेटाफॉर्म एग्जिस्ट होगी। तो हमारे लिए की पॉइंट क्या रह गया यहां पर, ओनली फ्यू एसिड्स ब्रैकेट में लिख सकते हो कंटेनिंग थ्री और मोर हाइड्रोजन, ओनली फ्यू एसिड्स आर प्रेजेंट विच हैविंग मेटा विच हैविंग मेटा एसिड्स जिसके मेटा एसिड्स होंगे, एंड इन दिस केस एसिड पेरेंट एसिड, क्योंकि मेटा तो उसी से बना है, पेरेंट एसिड ऑल्सो नोन बाय ऑर्थो एसिड, उसको ऑर्थो एसिड भी बोलेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो HCPO4, इसकी मेटा फॉर्म होती है, तो इसके दो नाम है, फॉस्फोरिक एसिड और इसको हम ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड भी बोलेंगे। ऑल्सो नोन बाय, यानी दो दो नाम हो गए। ऐसा कौन सा एसिड है और, HCPO3 फॉस्फोरस एसिड और एक और नाम हो जाएगा ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी मेटाफॉर्म एग्जिस्ट होती है। तो जिन जिन एसिड की मेटाफॉर्म एग्जिस्ट होगी उनके दो नाम होंगे, एक तो नॉर्मल जो नाम है ही, उसके अलावा ऑर्थो वर्ड लगा के भी आप बना सकते हो, सही है। तो एक पॉइंट और है, उसको ऐड करें आप जल्दी से। यहां पर बोरिक एसिड भी था और उसका नाम था HCBO3, इसका नाम है बोरिक एसिड और इसका भी दूसरा नाम होगा ऑर्थो बोरिक एसिड। नहीं, मैंने मेटा के साथ नहीं लगाना, मेटा जिसकी एग्जिस्ट करती है उसके पेरेंट एसिड को हम वो नाम जो दे रखा था वो और ऑर्थो भी लगा सकते हैं। तो मेटा किसकी एग्जिस्ट हुई थी, इन तीन की, तो तीनों के नाम, यानी पेरेंट कौन है, ये और ये डॉटर है उनका, तो इसका नाम फॉस्फोरिक एसिड मेटा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, बोरिक एसिड ऑर्थोबोरिक एसिड। लेकिन अगर आज कोई पूछता है, ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड, थर्ड, कोई कहता है कि मैं H2SO4 के दो नाम बोलूंगा तो गलत है। सल्फ्यूरिक एसिड तो बोल सकते हो, लेकिन आपने सोच लिया ऑर्थो सल्फ्यूरिक बोल दूं मैं,
तो नहीं बोल पाओगे, आपको ये काटना पड़ेगा। ऑर्थो उन्हीं के आगे लगाएंगे जिसकी मेटाफॉर्म एग्जिस्ट होती है। क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? आप लिखें इसको। एक और फॉर्मेट है आपके पास, फिफ्थ पॉइंट्स हमारे पास, फोर्थ पॉइंट हो ही चुका है, लिखते जाएं। तो हम ये कंटिन्यू आगे कर रहे हैं और हमारे पास पता चल गया कि ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड नाम की कोई वर्डिंग नहीं होती। सल्फ्यूरिक एसिड को सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड ही बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड को भी नाइट्रिक और नाइट्रस बोलेंगे, उनके साथ ऑर्थो वर्ड नहीं लगता। ऑर्थो सिर्फ अभी आपके साथ देखा जाए तो सिर्फ बोरिक एसिड के साथ, यानी बोरोन के साथ और फास्फोरस के साथ लगेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, एक और पॉइंट आपका इंतजार कर रहा है। कौन से नंबर का पॉइंट रखेगा हमने? नंबरिंग कौन सी आ रही है? फिफ्थ नंबर, बिल्कुल सही है। तो फिफ्थ नंबर को अगर हम देखते हैं, अभी तक हम H2O निकाल रहे थे, ऑक्सीजन निकाल रहे थे, अब फिर H2O निकालेंगे, लेकिन पहले निकाल रहे थे एक मॉलिक्यूल में एक H2O, अब दो मॉलिक्यूल में एक H2O। इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O रिमूव फ्रॉम टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिड देन जनरेट न्यू एसिड इज कॉल्ड पायरो एसिड। पायरो एसिड, तो हम उसको पायरो एसिड बोलेंगे। इजी है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्या बोलेंगे? पायरो एसिड। फॉर एग्जाम्पल, आप सबसे पहले लिख लीजिए H2SO4, दो मॉलिक्यूल लो, दो मॉलिक्यूल लो और एक H2 निकाल लो। तो आप हाइड्रोजन कितने थे? चार, चार में से दो गए तो कितने बचे? दो। सल्फर दो, ऑक्सीजन कितने बचेंगे? सात। चार दो आठ, एक गया सात। तो ये कौन सा एसिड था? सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या बनेगा? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। बस सिंपल पायरो लगा दो। वो ओलियम इसका कॉमन नेम है, ठीक है। तो कॉमन नेम तो चलेंगे साइड बाय साइड। एक और ले रहे हैं हम, ट्वाइस H2SO3 माइनस H2O, इसको क्या बोलते थे आप? सल्फ्यूरस एसिड। तो यहां H2S2O5 बनेगा। चार हाइड्रोजन थे, दो गए दो बचे, दो सल्फर थे दो ही रह गए, कोई नहीं गया। ऑक्सीजन छह थे, दो गए सॉरी एक गया, पांच बचे। तो इसका नाम क्या रहेगा? पायरो सल्फ्यूरस एसिड। यहां एच लगाओ सल्फ्यूरस में, जरूरी नहीं है, लगा दो तो भी गलत नहीं है, नहीं लगाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास हो सकते हैं। फास्फोरस के तो होंगे ही बिल्कुल, क्यों? क्योंकि उसमें तो बहुत आसानी से आपके पास बहुत सारे एसिड थे, जैसे H3PO4, दो मॉलिक्यूल में से एक H2 निकाल रहे हो, तो क्या नाम बनेगा? H4P2O7। चार दो आठ, आठ में से एक गया सात, क्या नाम रहेगा इसका? पायरो फॉस्फोरिक एसिड। ट्वाइस H3PO3 माइनस H2, एच छ है, दो गए चार, P2O5 बनेगा, इसका नाम आएगा पायरो फॉस्फोरस एसिड। कुछ एसिड ऐसे भी एसिड हैं जैसे HNO3,
आपने दो से मल्टीप्लाई किया और H2O निकाला, तो क्या बन जाएगा? N2O5। अब क्या करेंगे आप? क्या ये एसिड है? नहीं, क्योंकि है ही नहीं हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन हो तो एसिडिक हो, तो इसको बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। अगर H2 निकालने से एसिड नहीं बनता है तो बनने वाले कंपाउंड को हम एनहाइड्राइड बोलते हैं। जैसे ट्वाइस HNO2 के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, ट्वाइस H2N2O3। तो इसका नाम क्या होगा? एसिड एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड, क्योंकि ये नाइट्रिक से बन रहा था तो नाइट्रिक एसिड एनहाइड्राइड था, और ये कौन सा एसिड है? नाइट्रस, तो नाइट्रस से बन रहा है तो नाइट्रस एनहाइड्राइड होगा। तो यहां तक आपको पूरे बेसिक नोमेनक्लेचर आ गई? यस और नो? लिखे इनको। देखो, हमने पूरा एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, लेकिन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो नेमिंग चार्ट हेडिंग डालेगा आपका, नेमिंग चार्ट ऑफ फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड्स। तो जितने भी फॉस्फोरस से बनने वाले एसिड्स हैं, उन सबके नाम आपको लिखने हैं। मैं नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। सबसे पहले आपके पास आ रहा है पेरेंट्स एसिड्स H3PO3 और H3PO4, जिससे सब बने हैं। इसमें ऑक्सीजन ऐड करा, क्या बन जाएगा? H3PO5। आपको ये नाम लिखने हैं। इसमें ऑक्सीजन माइनस किया, H3PO2। पक्का? इसमें माइनस H2O करा, HPO2। इसमें माइनस H2O करा, HPO3। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस H2O किया, H4P2O7। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया H3PO4 और माइनस H2O किया, H4P2O5। इन सबके आपको नाम देने हैं, जो कि आप पढ़ चुके हो मुझसे सारे रूल। सबसे पहला नाम किसका जाएगा? फॉस्फोरिक एसिड। बोलो, जाएगा या नहीं जाएगा? होगा या नहीं होगा? होगा। ऑक्सीजन कम है, फॉस्फोरस एसिड। ये दोनों ही इस पूरी फैमिली के मम्मी पापा हैं, बाकी सब बच्चे हैं। तो देखिए, फॉस्फोरस एसिड में से ऑक्सीजन माइनस होगी तो क्या बनेगा? पर या हाइपो। हाइपो, हाइपो का मतलब कम और पर का मतलब ज्यादा। तो हाइपो फॉस्फोरस एसिड। तो जो भी अस्से बनेंगे वो हाइपो लेंगे। यहां ऑक्सीजन 8 हुई है तो पर हाइपर से बना है पर फॉस्फोरिक एसिड। कितना इजी है नाम देना। माइनस H2O किया है, मेटा। किसका है ये? किससे बना है? अस्से। तो मेटा फॉस्फोरस एसिड। और यहां पर भी H2O आया लेकिन एक से, तो इसका नाम होएगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। बाकी बहुत आसान है। जब भी जिसका मेटा होता है उसके दो नाम होते हैं, ऑर्थो भी होता है, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड।
इसके भी दो नाम होंगे, ऑर्थो फॉस फोरिक एसिड। बाकी ये तो आपको समझ में आ ही गया था, ये तो है पायरो फॉस्फोरस एसिड, क्योंकि यहां दो मॉलिक्यूल में से एक H2O निकला है, और यहां पर भी वही हुआ है, तो इसका नाम आएगा पायरो फॉस फोरिक एसिड, एक से बना है। तो ये एक चार्ट है जो आपको पूरा सारे रूल्स एक साथ रिकॉल करा रहा है, आप इसको रिवाइज कर लीजिए, इससे बनाए इसको।